हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं पीएसटीसीएल जूनियर इंजीनियर का पेपर जो 2016 में हेल्ड हुआ था। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ऑर्डर टू डैश सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स और टोटली क्लोज्ड स्लॉट्स आर यूज्ड इन इंडक्शन मोटर। ओके, तो ये जो यूज होता है सेमी क्लोज स्लॉट्स और टोटली क्लोज स्लॉट्स यूज होता है हमारा फॉर द पर्पस ऑफ इंप्रूव द पावर फैक्टर। ओके, कैसे? आप जानते हैं कि जब हम सेमी क्लोज स्लॉट्स और टोटली क्लोज स्लॉट्स को यूज करते हैं तो उनका वर्क क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। इट रिड्यूसेस द मैग्नेटाइजिंग करेंट। ओके, दे रिड्यूसेस द मैग्नेटाइजिंग करेंट बिकॉज एयर ग्रैप एच स्मॉल। आप जानते हैं अगर ओपन स्लॉट्स को हम यूज करेंगे, है ना, ओपन स्लॉट्स को अगर हम यूज करेंगे तो आपका एयर गैप बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इन केस ऑफ सेमी क्लोज्ड और टोटली क्लोज्ड स्लॉट्स एयर गैप एच स्मॉल। ठीक है, जो कि आप जानते हो कि एयर गैप अगर स्मॉल होगा तो इट विल इंप्रूव द पावर फैक्टर। कुछ और पॉइंट्स आप देख सकते हैं सेमी क्लोज ओपन स्लॉट्स, सेमी ओपन और क्लोज के। ठीक है, ये एडवांटेजेस मैंने लिखे हुए हैं इस तरफ और डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं, आप इनको एक बार नजर मार लें। ठीक है, मैं और भी पॉइंट्स हैं, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, और ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, डिफरेंस, ठीक है, एयर गैप का, ओके, एयर गैप का डिफरेंस, रिलक्टेंस किसमें ज्यादा है, लीकेज फ्लक्स किसमें ज्यादा है, स्टेबिलिटी किसकी अच्छी है, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, किसका बढ़िया है और किसका बेकार है, सॉरी, और हार्मोनिक्स किसमें ज्यादा होते हैं। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस और ओपन स्लॉट, सेमी ओपन और क्लोज स्लॉट का ए डिफरेंस। ओके, और बनते कैसे हैं आपको और मैं दिखा देता हूं बनते कैसे हैं। तो आप देख सकते हैं स्लॉट, ठीक है, ओपन स्लॉट पहला, सेकंड सेमी ओपन और थर्ड क्लोज स्लॉट। तो देख सकते हैं आप ओपन स्लॉट में एयर गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो लीकेज फ्लक्स कितना है 40%, लेकिन सेमी ओपन में लीकेज फ्लक्स ज्यादा है, क्लोज में लीकेज फ्लक्स ज्यादा है, लेकिन म्यूचुअल फ्लक्स क्या है कम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ओपन स्लॉट, सेमी ओपन और क्लोज स्लॉट्स कैसे बनते हैं, और ये बनते काय के हैं, मेड अप ऑफ हाई ग्रेड डायनेमो शीट स्टील लेमिनेशंस। अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, तो आंसर हो गया आपका इंप्रूव द पावर फैक्टर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ओके, फॉर अ डीसी शंट मोटर स्पीड कैन नॉट बी वेरीड वाई वेरिंग। ओके, तो इन डीसी शंट मोटर में आप जानते हैं कि आपसे पूछा गया है कि स्पीड किससे वेरी नहीं करेगी, तो सप्लाई वोल्टेज से करेगी, फील्ड करंट से करेगी, आर्मेचर करंट से करेगी, लेकिन मेथड ऑफ स्टार्टिंग से कोई लेना देना नहीं है डीसी शंट मोटर का। ओके, तो फ्लक्स कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल और फील्ड कंट्रोल, ये सब मेथड है आपकी शंट मोटर, डीसी मोटर को स्टार्ट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ ई वाई एच इन अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव। ओके, तो ई वाई एफ से आप समझते हैं, ठीक है, कि बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ई इज फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एच इज फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो आप देख सकते हैं ईटा इज इक्वल्स टू ई अपॉन एच। ओके, मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है ईटा, इज इक्वल्स टू ई अपॉन एच, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मी अपॉन ई। ठीक है, इसकी यूनिट ओम में होती है। वेव जो म्यू है आपको डिफाइन करता है वेव, सॉरी, जो ईटा है वो आपको डिफाइन करता है वेव इम्पीडेंस और इंटरेसिंग इम्पीडेंस को। ओके, और आप देख सकते हैं कि इन फ्री स्पेस में जो आपकी वेव इम्पीडेंस और इंट्रिंसिक इम्पीडेंस होती है उसकी वैल्यू होती है 377 ओम। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं कि आप अगला क्वेश्चन है कि द एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है और इसकी जो मेथड्स होती है वो आपकी होती है सिंकिंग फंड मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। मोस्टली आपने स्ट्रेट लाइन मेथड को सुना होगा। ओके, तो दो मेथड्स होती हैं इसकी, सिंकिंग फंड मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, दोनों मेथड है एनुअल डेप्रेशन कॉस्ट निकालने के लिए।
अगला क्वेश्चन है कि आपसे बोला है द स्लाइड वायर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर शुड बी, ठीक है, तो जो फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स को लाने के लिए जो स्लाइड वायर होता है पोटेंशियोमीटर का, वो एज लॉन्ग एज पॉसिबल होना चाहिए, मतलब लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। क्यों क्यों लॉन्ग होना चाहिए? क्योंकि ये जो मेथड है वो ट्रू ईएमएफ को सेल के ट्रू ईएमएफ को निकालती है, ठीक है, आपको देती है, ओके। और लेंथ ऑफ द स्लाइड वायर शुड बी यूनिफॉर्म, ओके। तो आपको अगर एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए, यानी कि ट्रू ईएमएफ आपको चाहिए सेल का, तो ये मेथड आपको प्रोवाइड करेगी, लेकिन वायर आपका एज लॉन्ग एज पॉसिबल होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वाई कॉन्स्टेंटली मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज विच डिफर ड्यूरिंग नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशंस डैश इज द डिवाइस विच डिटेक्ट्स एबनॉर्मल कंडीशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। आप सभी लोग जानते हैं जो आपका रिले होता है, रिले का काम क्या होता है, इट्स एक्चुएटली एक्चुअली और एक्चुएट द सर्किट, ओके। तो इट सेंसेस द एबनॉर्मल और फॉल्टी कंडीशन, उसके बाद क्या करता है, रिले सेंस करके सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए कहता है, ठीक है। तो काम क्या होता है रिले का, इट सेंसेस द एबनॉर्मल और फॉल्टी कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम डैश आईडीएमटी रिले, यानी कि इनवर्स डेफिनेट टाइम रिले, ठीक है, इज यूज्ड फॉर ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, ओके। इसको हम बैकअप प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मर्स होता है उसमें जो इंटरनल शॉर्ट सर्किट्स जो अकर होते हैं, ठीक है, उसके लिए हम आईडीएमटी रिले का यूज करते हैं फॉर द इंटरनल शॉर्ट सर्किट्स। अ सिस्टम इज डैश व्हेन बी गेन मार्जिन इज पॉजिटिव वेयर एज द फेज मार्जिन इज नेगेटिव। तो ऐसी कंडीशन जो होती है भाई, अनस्टेबल कंडीशन होती है, ओके। गेन मार्जिन जब पॉजिटिव और फेज मार्जिन नेगेटिव हो जाता है, अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं गेन और फेज मार्जिन, तो बोथ आर स्टेबल। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। आपने फेज स्प्लिटिंग का नाम सुना होगा, जिसको हम रेजिस्टेंस स्टार्टिंग भी मेथड कहते हैं, पोल शेडिंग मेथड, ठीक है, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर आपने पढ़ी होगी, पोल शेडेड इंडक्शन मोटर आपने पढ़ी होगी, लेकिन डायरेक्ट स्विचिंग इंडक्शन मोटर आपने नहीं पढ़ी है। डायरेक्ट स्विचिंग इज द राइट ऑप्शन। और कौन कौन सी मेथड होती है आपकी, कैपेसिटर स्टार्ट होती है, ओके। नेक्स्ट कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन होती है, नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर होता है, और एक पीडब्ल्यूएम टेक्निक के यूज के द्वारा हम उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट स्विचिंग मेथड का यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो आपसे बोला गया है कि द वोल्टेज गेन ऑफ अ गिवन कॉमन सोर्स जे एफ टी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वेरीज विद। जैसा आप जानते हैं ड्रेन लोड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, अगर हम इसको वेरी करेंगे तो वोल्टेज गेन क्या होगा हमारा, इट गिवेंस, ओके। तो इट्स डिपेंड ऑन द ड्रेन लोड रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं द ड्रेन करंट इक्वल्स टू ड्रेन वोल्टेज अपॉन ड्रेन लोड रेजिस्टेंस प्लस सोर्स रेजिस्टेंस, ओके। सो इट बेसिकली वेरीज विद वोल्टेज गेन वेरीज विद इफ वी वेरी द ड्रेन लोड रेजिस्टेंस। एज कंपेयर टू द रिवर्स रिकवरी टाइम वेन अ जंक्शन डायोड इज बींग यूज इन स्विचिंग एप्लीकेशंस द फॉरवर्ड रिकवरी टाइम इज। आपसे बोला गया है किसी भी डायोड में जो फॉरवर्ड रिकवरी टाइम होता है वो कैसा होना चाहिए रिवर्स रिकवरी टाइम से। आप देख सकते हैं, आपने डायग्राम देखा होगा, ठीक है, जब भी आपने पढ़ा होगा रिवर्स रिकवरी टाइम का, ठीक है। रिवर्स रिकवरी टाइम में डायोड के ये पूरा टर्म कौन सा होता है आपका, रिवर्स रिकवरी टाइम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिले टाइम एंड द पीक टाइम, ओके। तो पीक टाइम कौन सा, जब रिवर्स वाइस में रहता है, ठीक है, और डिले टाइम कितना, जब वो पूरा आपको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन जब तक अकर होता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि रिवर्स रिकवरी टाइम ज्यादा होता है, ठीक है, आपका कंपैरिजन में फॉरवर्ड रिकवरी टाइम के, क्योंकि जो स्टोर्ड चार्जेस रहते हैं डायोड के अंदर
ऑफ टाइम के समय उनको रिकॉम्बिनेशन होने में टाइम लगता है दोबारा से फॉरवर्ड स्टेट में आने के लिए, इसीलिए फॉरवर्ड रिकवरी टाइम कम होता है इन कंपैरिजन टू रिवर्स रिकवरी टाइम। अ मोटर हैज टू स्टार्ट विद हाई एक्सेलरेशन, ठीक है, तो आंसर है लिफ्ट्स। हम यूज करते हैं कौन से, डीसी सीरीज मोटर फॉर दैट पर्पस। एन एयर सर्किट ब्रेकर द मीडियम इम्प्लॉयड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द आर्क, ठीक है, तो नाम में ही एयर सर्किट ब्रेकर है, तो एयर इज द आंसर। और इसका वैल्यू कहाँ से वेरी करती है, रेंज 400 वोल्ट से 11 kV और 5 to 750 MVA। द डैम्पिंग वाइंडिंग प्रोड्यूसेस डैश व्हेन अ सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड। डैम्पिंग वाइंडिंग का यूज आप जानते होंगे, इट इज यूज टू प्रोवाइड दी स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, और प्रिवेंट दी हंटिंग। तो जब सिंक्रोनस स्पीड सिंक्रोनस मोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड पर रन करेगी तो जीरो टॉर्क डैम्पर वाइंडिंग आपका प्रोड्यूस करेगा, यानी कि नो टॉर्क, ठीक है, कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच टाइप ऑफ द सिस्टम डज अ सर्वो मैकेनिज्म हैविंग स्टेप डिस्प्लेसमेंट फॉर्म। तो स्टेप डिस्प्लेसमेंट फॉर्म, ठीक है, जो सर्वो मैकेनिज्म होता है उसका काम क्या होता है पहले तो देख सकते हैं आप। इट इज यूज टू कंट्रोल द पोजिशन वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, और आपसे बोला गया है स्टेप डिस्प्लेसमेंट फॉर्म। तो टाइप वन, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी एरर जो होता है, ठीक है, सबसे पहले पोजिशनल एरर होता है टाइप जीरो के लिए, फिर वेलोसिटी का, फिर एक्सेलरेशन। आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट फॉर्म, तो टाइप वन यानी कि KV, ओके, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एरर के फॉर्म में आपका टाइप वन रिप्रेजेंट करता है सर्वो मैकेनिज्म, ठीक है, और उसका काम क्या होता है, पोजिशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के सिस्टम को कंट्रोल करना। इन एन ऑल्टरनेटर फील्ड इज प्लेस्ड ऑन द रोटर बिकॉज ऑफ, ओके, हम फील्ड को सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर जो होता है क्यों हम रोटर की तरफ उसको प्लेस करते हैं, क्योंकि इंसुलेशन ऑफ द वोल्टेज व्हिच इज मेड इजी ऑन स्टेटर देन ऑन रोटर, ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है, आप जानते हैं कि हाई करंट टेकन फ्रॉम द आर्मेचर, आपके आर्मेचर के स्टेटर की तरफ एसी होता है और फील्ड की तरफ डीसी प्रोवाइड करते हैं हम इन बिग रेटिंग मशीन। हम स्मॉल रेटिंग मशीन में तो यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से, लेकिन हम जब बिग मशीन की बात करते हैं, लार्ज रेटिंग की मशीन, तो हम जो फील्ड होता है वो रोटर पे ही प्लेस करते हैं, ठीक है, इन कंपेरिजन इन इंस्टीड ऑफ स्टेटर, ओके। तो हाई करंट हम लेते हैं आर्मेचर से एसी, क्योंकि हम एसी सप्लाई देते हैं, इसीलिए इंसुलेशन ऑफ वोल्टेज व्हिच इज मेड इजी ऑन स्टेटर देन ऑन द रोटर इज द राइट आंसर। द फीचर ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज वेयर एज न्यूक्लियर पावर प्लांट रिक्वायर्स, ओके, तो आप जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट है उसका जो ट्रांसपोर्ट फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जो होता है, ठीक है, वो महंगा होता है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो कैपिटल कॉस्ट होती है बहुत महंगी होती है, ठीक है, इसीलिए इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट बिगनर स्टेट में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम 2 से 5% ही पावर को हम जनरेट करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से, ठीक है, और सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट से हम यूज़ करते हैं, तो इसीलिए थर्मल पावर प्लांट का फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई रहता है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट का कैपिटल कॉस्ट हाई है, इसीलिए ये कम है। व्हाट इज द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डैम्पिंग स्मॉल ऑफ अ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, ऐसा कम क्यों करते हैं, क्योंकि देख सकते हैं आप हम डैम्पिंग यानी कि डैम्पिंग स्मॉल का मतलब अंडर डैम्पिंग, ठीक है, तो इट गिव्स द फास्ट रिस्पॉन्स इन अंडर डैम्प्ड और क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन में। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर जो होता है वो अंडर डैम्प कंडीशन में रिस्पॉन्स फास्ट करता है, मतलब कि टू गेट दी फर्स्ट डिफ्लेक्शन लार्ज, ठीक है, डिफ्लेक्शन जल्दी प्रोवाइड करता है फॉर दी प्रोवाइड दी रेटिंग्स, ओके, और रीडिंग्स। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एट द ओरिजिन द नंबर ऑफ पोल्स पजेस्ड बाई द टाइप टू सिस्टम आर,
ठीक है। तो टाइप टू सिस्टम जो होता है, आप देख सकते हैं एरा एक एग्जांपल टाइप टू सिस्टम का, एस स्क्वायर नीचे है तो नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे आपके ओरिजिन पे, 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी चॉपर्स में व्हेन द ड्यूटी साइकिल इज 0.5 पर यूनिट रिपल एच। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अजीब है और थोड़ी रिसर्च एरिया से क्वेश्चन है। पर यूनिट रिपल वैसे पढ़ते होंगे ठीक है, लेकिन फॉर्मूला इसका बहुत डिफरेंट अलग होता है तरीका। ओके, तब देख सकते हैं कैसा है। इसका जो फॉर्मूला है, डेल्टा आई अपॉन वी अपॉन आर इक्वल्स टू, ए टू टर्म आपको दिख रहा है 1 - e की पावर। ओके, होता क्या है, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ठीक है, इसमें जो टी है वो चॉपिंग पीरियड है और टाउ आपका टाइम कॉन्स्टेंट है जो कि एल अपॉन आर होता है। अब ड्यूटी साइकिल जब 0.5 है तो आप एक ग्राफ देख सकते हैं जो कि पर यूनिट रिपल करंट और ड्यूटी साइकिल के बीच बनेगा ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम है एट द टर्म ऑफ द, जब ड्यूटी साइकिल आपकी 0.5 है। आप ग्राफ को ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं अगर आप इस क्वेश्चन को टाइप करेंगे ठीक है। तो ड्यूटी साइकिल जब 0 है तो 0.25 ठीक है, इन सब की वैल्यू अलग होती है, टी अपॉन टाई की, टाउ की वैल्यू 25 है, इधर कुछ अलग होगी, इस 0.5 पे अलग होगी, 0.25 पे अलग होगी, ड्यूटी साइकिल 1 है तो अलग होगी, और 0.5 पे मैक्सिमम होगी आपका यूनिट रिपल। तो मैक्सिमम इज द आंसर ठीक है, देख सकते हैं आप, ए ड्यूटी साइकिल 0.5 है और टी अपॉन टू 25, यानी कि ए आपका पर यूनिट रिपल सबसे ज्यादा हाई है यानी कि 1। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज एनालॉगस टू विस्कस फ्रिक्शन कॉफिशियंट इन फोर्स वोल्टेज एनालॉगी। ओके, तो इस केस में रेजिस्टेंस जो होता है आपका ठीक है, रेजिस्टेंस इज द एनालॉगस टू विस्कस फ्रिक्शन। ओके, तो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी और फोर्स करंट एनालॉजी आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो एक दूसरे के एनालॉगस हैं। तो कंडक्टेंस का क्या होता है, मास, मास का एनालॉगस कंडक्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का एनालॉगस चार्ज, वेलोसिटी का एनालॉगस करंट, स्प्रिंग एलिमेंट का एनालॉगस कैपेसिटेंस। तो इस सारे टर्म आपको याद होने चाहिए ठीक है। इफ फॉर अ यूनिट डिस्टेंस अ केबल हैज अ यूनिट इंडक्शन इंडक्टेंस ठीक है, एंड यूनिट इंपीडेंस, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सर्ज इंपीडेंस। सर्ज इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ जेड अपॉन वाई या फिर अंडर रूट ऑफ एल अपॉन सी जब लॉसलेस लाइन होती है ठीक है। तो यूनिट इंडक्टेंस और यूनिट इंपीडेंस आपको दिया है तो 1 ओम आपका आंसर, 1 ओम आपका सर्ज इंपीडेंस की वैल्यू आ जाएगी। ट्रांजिएंट डिस्टरबेंसेस मे बी कॉस्ड बाय, ट्रांजिएंट डिस्टरबेंस आपके फॉल्ट की वजह से हो सकते हैं, लोड का वेरिएशन की वजह से हो सकते हैं, और स्विचिंग ऑपरेशन ऑपरेट करते समय हो सकते हैं। द एससीआर इज डैश इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन ऑफ द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। आंसर इनने रिवर्स वाइज दिया है, जबकि आप जानते हैं कि जो मोड्स होते हैं एससीआर के, फॉरवर्ड कंडक्शन, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और रिवर्स ब्लॉकिंग होते हैं, और ये आपका एससीआर है ठीक है। जब तक आप एनोड को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और कैथोड को निगेटिव ठीक है, बीए के जब आप प्रोवाइड करते हैं एनोड टू कैथोड सप्लाई, तो आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हम एनोड टू कैथोड वोल्टेज तो दे देते हैं लेकिन गेट पे सप्लाई नहीं देते हैं, ये तो आप जानते हैं ठीक है। तो वो ऑफ स्टेट में ही रहता हमारा एससीआर ठीक है, एससीआर हमारा ऑफ स्टेट में ही रहता है, तो आंसर तो बी होना चाहिए। एससीआर कब ऑन होता है, जब तक हम उसमें गेट पे सप्लाई नहीं देते हैं है ना, गेट पे जब तक सप्लाई नहीं देते, तो जब तक हम गेट पे सप्लाई नहीं देंगे तब तक हमारा एससीआर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में नहीं आएगा। ओके, तब तक हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग भी होता है। कभी कभी कुछ ऐसे एससीआर होते हैं जो बिना गेट के भी ऑन हो जाते हैं, उसको हम फॉल्स ट्रिगरिंग बोलते हैं, जब बीए के ठीक है, बीए के ही देने पे हमारा एससीआर ऑन हो जाए, तो उसे फॉल्स ट्रिगरिंग बोलते हैं, उससे हमारा डिवाइस खराब हो सकता है। सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब, फास्फोरस की जो कोटिंग होती है वो क्यों होती है, इट्स प्रोवाइडेड एट ठीक है, तो ए होती है इनसाइड सरफेस पे, आपको पता है ऐसा कुछ बनता है आपका
सीआरटी, तो जो इनसाइड का जो सरफेस होता है इधर वाला, इस पे हम फॉस्फोर की कोटिंग करते हैं। द स्क्रीन इज कोटेड विथ फ्लोरोसेंट मटेरियल कॉल्ड फॉस्फर विच एमिट्स लाइट। ओके, वाई दी बॉम्बार्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द सीआरओ और इन प्लेस सीआरटी। डिप्लीशन लेयर अक्रॉस अ पीएन जंक्शन लाइज, ओके, इन पी रीजन एंड इन एन रीजन। तो डिप्लीशन लेयर जो होती है वो लेस होती है, ओके, इन पी रीजन, और मोर होती है इन एन रीजन। कई जगह आपको आंसर उल्टा दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे हम लिखते जो हैं वो पी प्लस एन जंक्शन लिखते हैं, तो जो डिप्लीशन लेयर होती है वो ज्यादातर पेनिट्रेट करती है टूवर्ड्स दी लाइटली डोप्ड रीजन। ठीक है, तो लाइटली डोप्ड कौन सा दिख रहा है आपको इसमें? एन। तो एन की तरफ ज्यादा होगी डिप्लीशन लेयर इन इंस्टीड ऑफ पी की तरफ। ठीक है, पी क्या है आपका? हैवली डोप्ड है। हैवली डोप्ड कैसे पता लगा? क्योंकि जिस पे प्लस होता है वो हैवली डोप्ड आपका जंक्शन है। व्हाट हैपेंस टू द क्रिटिकल वोल्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोरोना विद द यूज ऑफ बंडल कंडक्टर्स? बंडल कंडक्टर कई सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है कोरोना को रिड्यूस करना, कोरोना डिस्चार्ज को। आपसे बोला गया है कि क्रिटिकल वोल्टेज पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ कोरोना। तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 3 × 10⁻⁶ अपॉन √2 आर डेल्टा एम नॉट एल डी इक्विवेलेंट अपॉन आर। तो जब आप बंडल कंडक्टर्स का यूज करते हैं, ठीक है, तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज आपका इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि स्पेसिंग क्या होती है, बंडल कंडक्टर की वजह से स्पेसिंग बढ़ जाती है। तो स्पेसिंग जब बढ़ जाती है तो आपका डिसरप्टिव वोल्टेज भी बढ़ जाता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ द कम्यूटेशन ओवरलैपिंग इन फेज कंट्रोल एसी टू डीसी कन्वर्टर? कम्यूटेशन ओवरलैप आप जानते हैं, कम्यूटेशन ओवरलैप तब आता है जब आपका सोर्स इंडक्टेंस आपके कन्वर्टर में इन्वॉल्व होता है। तो आप देख सकते हैं सिंगल फेज, मैंने थ्री फेज का एग्जांपल लिया है, सोर्स इंडक्टेंस मैंने लगाया है। ठीक है, सोर्स इंडक्टेंस का मतलब कि इंडक्टर को सोर्स में यूज करना। एक्चुअली होता क्या है कि ये ओवरलैपिंग जो होती है आउटपुट वोल्टेज को रिड्यूस कर देती है। लोग यूज क्यों करते हैं? जिससे कि हमारा फिल्ट्रेशन अच्छा हो। ठीक है, फिल्ट्रेशन अच्छा हो इसीलिए हम इंडक्टर को यूज करते हैं कि हमारा इनपुट वेव रिपल्स जो है ज्यादा ना आए, लेकिन इस ओवरलैपिंग की वजह से आउटपुट वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है। कभी कभी पूछ लेते हैं ओवरलैप एंगल किससे डिनोट होता है, तो म्यू से डिनोट होता है, और उसमें इस ओवरलैपिंग की वजह से म्यू होता है, ठीक है, जो कि ओवरलैपिंग एंगल हम कहलाता है। ठीक है, तो सोर्स इंडक्टेंस इसका आंसर है। एक्चुअली होता क्या है कि ओवरलैपिंग होने की वजह से आप जानते हैं, जैसे 1, 3, 5, 4, 6, 2 स्विचिंग नंबर्स हैं, तो 1 और 6 और 5 ऑपरेट होंगे, लेकिन क्या होता है कि ओवरलैपिंग की वजह से ऊपर नीचे के कई सारे स्विचेस एक साथ ऑन हो जाते हैं, तो उस कारण ओवरलैपिंग अकर हो जाती है। ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज आपका रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन कंट्रोल सिस्टम इफ जी इज द गेन देन डैम्पिंग वेरीज विद, ओके, तो डैम्पिंग जब जी गेन है तो डैम्पिंग क्या होगी आपकी? 1/√g। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स एम्प्लॉयड इन थर्म आयनिक जनरेटर्स आर यूजली मेड अप ऑफ? थर्म आयनिक जनरेटर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट, इट कन्वर्ट्स डायरेक्टली हीट इंटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डायरेक्टली हीट से हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, और इलेक्ट्रोड्स जो एम्प्लॉयड होते हैं वो सेमी कंडक्टर के होते हैं, यूजली बने हुए होते हैं इलेक्ट्रोड सेमी कंडक्टर मटेरियल से। आ नेगेटिव फीडबैक इज बीइंग इंट्रोड्यूस इन द सिस्टम इंक्रीजिंग पैरामीटर्स फॉर वी। ठीक है, आपसे पूछा गया नेगेटिव फीडबैक, तो आप जानते हैं जब नेगेटिव फीडबैक को हम यूज करते हैं तो ओवरऑल गेन तो रिड्यूस हो जाता है, गेन रिड्यूस, ठीक है, डिस्टॉर्शन रिड्यूस, बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है, लेकिन ओवरऑल गेन रिड्यूस हो जाता है। तो बैंडविड्थ इंक्रीजिंग पैरामीटर होता है नेगेटिव फीडबैक के केस में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकिंग फाइंड्स एप्लीकेशन इन बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर?
तो आप जानते हैं बैटरी ऑपरेटेड में भी मैकेनिकल ब्रेकिंग का यूज होता है। डायमेंशंस ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर पी आर सेम एज दैट ऑफ, तो पी होता है आपका पावर अपॉन एरिया, और पावर अपॉन एरिया क्या होता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। इफ एन ओपन ऑपरेशन एम्पलीफायर हैज एन ओपन लूप गेन एंड ओपन लूप कटर अपर कट फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज, द यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर विल बी। तो आपको ओपन लूप गेन दिया है, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है, क्लोज लूप गेन नहीं दिया है, ठीक है, आपसे पूछा है न्यू फ्रीक्वेंसी भी आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने क्लोज लूप गेन अपने तरीके से ले लिया है इसमें, ठीक है। तो आपके लिए टर्म निकल के आएगा, तो एफ टेस्ट को मल्टीप्लाई करना है आपको अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 3000 हर्ट्ज आएगा। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं क्योंकि इसमें क्लोज लूप गेन नहीं दिया है, तो शायद इसका कोई दूसरा टर्मिनोलॉजी हो यूज सॉल्व करने की। ओके, टू लॉन्ग एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर विथ अ यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, देयर करंट्स आर फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय देम विल बी। तो दो करंट कैरिंग वायर हैं जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। दोनों करंट अगर फ्लोइंग अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के जो फोर्स एक्सपीरियंस जो होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, और रिपल्सिव आपके दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स अकर होगा, ओके, और इन सेम डायरेक्शन में आपका अट्रैक्टिव फोर्स अकर होता। Which of the following simultaneous equations is being involved in load flow studies? Okay, तो load flow studies में आप पढ़ते होंगे, ठीक है, numerical algorithms आप पढ़ते होंगे, जैसे कि Newton-Raphson method, ठीक है, Newton-Raphson Gauss-Seidel method, okay, तो करते क्या है, load flow studies में non-linear algebraic equations होती हैं for two unknown variables b, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फेज, एच नीड एट ईच नोड ऑफ द सिस्टम, तो नॉन लीनियर एलजेब्रिक इज द आंसर। जनरली विच टाइप ऑफ टर्बाइन इज यूज्ड इन अ टाइडल पावर प्लांट, तो रिवर्सिबल टर्बाइन जो होती है वो टाइडल पावर प्लांट में यूज होती है। क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है, जब आपका हैवी टाइड वेव्स आती हैं इन द सी साइड, तो आपका रिजर्वायर एक बना होता है, रिजर्वायर जिसको हम डैम बोलते हैं, ठीक है, हाइडल पावर प्लांट में रिजर्वायर जो होता है वो हाई टाइड की कंडीशन में उस रिजर्वायर में हम वाटर को सेव कर देते हैं, ठीक है, वो रिवर्सिबल टर्बाइन की हेल्प से हम हाई टाइड्स को इसमें वाटर को सेव करवा देते हैं, तो इसीलिए वो रिवर्सिबल टर्बाइन है आपकी, ठीक है, क्योंकि टाइडल पावर प्लांट में यूज होती है। इफ अ लोड टॉर्क varies with the square of the speed and terminal voltage of DC shunt motor is half then the speed, आप जानते हैं जब terminal voltage को half करेंगे DC shunt motor में तो speed भी क्या हो रही है आपकी half। For the protection of star delta connected three phase transformer, which of the following connection is employed for the current transformer? ठीक है, तो star delta three phase transformer है, अगर हम connection करंट ट्रांसफार्मर देखते हैं तो उसका अपोजिट होता है, यानी कि डेल्टा स्टार इज द आंसर, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार तो स्टार डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द बर्डन ऑफ द प्रोटेक्टिव रिले, तो बर्डन क्या डिफाइन करता है आपका, पावर एब्सॉर्ब्ड बाय द रिले सर्किट, ओके, तो बर्डन जो है आपकी जो रिले सर्किट जो पावर एब्सॉर्ब्ड करती है उसको प्रोटेक्टिव रिले की बर्डन को डिफाइन करता है, ओके। देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ डैश बिटवीन द करेस्पॉन्डिंग फेजेस ऑफ अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन अ स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, तो आपने लास्ट सेक्शन ट्रांसफार्मर का जरूर पढ़ा होगा, जैसे कि जो एंगल होते हैं स्टार डेल्टा 30 डिग्री, ठीक है, आप देख सकते हैं स्टार डेल्टा में जो तीनों फेज का डिफरेंस है वो 120 है, और स्टार डेल्टा के बीच का डिफरेंस कितना आपका 30 डिग्री, ओके।
30 डिग्री इज द आंसर. विच टाइप ऑफ स्केल डज अ डायनेमो टाइप वॉट मीटर पजेजेस. ओके, तो डायनेमो टाइप जो वॉट मीटर होता है उसकी जो स्केल होती है वो यूनिफॉर्म स्केल होती है. हिस्टेरेसिस मोटर इज एम्प्लॉयड फॉर द हाई क्वालिटी टेप रिकॉर्डर्स. द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर द सेम इज. ओके, तो हिस्टेरेसिस मोटर जो होती है आपकी हाई क्वालिटी टेप रिकॉर्डर्स में यूज कर रहे हैं हम इसको, इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो कॉन्स्टेंट सिंक्रोनस स्पीड होती है. हिस्टेरेसिस मोटर क्या होती है? कॉन्स्टेंट स्पीड, कॉन्स्टेंट सिंक्रोनस स्पीड मोटर होती है. एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, इंडक्टेंस आपको गिवन है, वोल्टेज गिवन है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी स्टोर्ड? आप जानते हैं इंडक्टर के केस में एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है, 1/2 LI² आई कैसे निकालेंगे, V/R और E=1/2 LI². विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एसी नेटवर्क एनालाइजर इज यूज्ड टू सॉल्व. तो लोड फ्लो प्रॉब्लम्स, शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम्स, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स, एसी नेटवर्क एनालाइजर तीनों चीजों को सॉल्व करता है. ओके, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं. इफ फॉर अ सर्टेन एप्लीकेशन फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिक्वायर्ड इन अ डीसी कंपाउंड जनरेटर, दे कैन बी अचीव बाय कनेक्टिंग अ वेरिएबल रेजिस्टेंस. तो ऐसा होता है अक्रॉस द सीरीज फील्ड, ना कि इन सीरीज विद द शंट फील्ड. आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. आप जानते हैं टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में ग्राफ बनता है आपका, यानी कि फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं फॉर द डीसी कंपाउंड जनरेटर. तो आंसर है आपका अक्रॉस द फील्ड सीरीज फील्ड जब आप करेंगे, ओके, तब ए एप्लीकेशन आपको अचीव्ड होगी. व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिवर्स करंट ऑफ अ सिलिकॉन डायोड? तो रिवर्स करंट ऑफ सिलिकॉन डायोड का क्या नेचर होता है? ठीक है, तो एक्चुअली इट इज अ हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव. ओके, फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी वी यूजेस. तो आप जानते हैं वॉट आवर मीटर का हम यूज करते हैं एनर्जी के लिए. इन अ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन फॉर अ लैम्डा अपॉन 8 लॉन्ग शॉर्ट सर्किट सेक्शन द इनपुट इम्पिडेंस इज. इनपुट इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है जेड आउटपुट स्क्वायर अपॉन लोड इम्पिडेंस. और आंसर हमेशा इंडक्टिव ही आएगा, तो बिकॉज जेड एल इज इक्वल्स द कॉम्बिनेशन ऑफ आर प्लस जे एक्स. और इसका इस फॉर्मूले से हम इस ऐसे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस निकालने का काम करते हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर द स्टेडी करेंट्स. तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप जानते हैं डेल डॉट जे इक्वल्स टू माइनस डेल पी अपॉन डेल टी. और स्टेडी स्टेट करंट होता है डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू जीरो. और आपसे पूछा है कंटिन्यूटी ऑफ स्टेडी स्टेट करंट, डेल डॉट जे क्या हो जाएगा आपका जीरो के बराबर. टू रिकॉर्ड द मैक्सिमम डिमांड एंड एनर्जी कंजप्शन ऑफ द कंज्यूमर हॉपकिंसन डिमांड रेट मेथड रिक्वायर्ड्स. तो आप सब लोग जानते हैं कि हॉपकिंसन डिमांड रेट जो होता है उसको हम टू पार्ट टैरिफ भी बोलते हैं. ओके, तो टू पार्ट टैरिफ कैसे डिपेंड करता है? कंज्यूमर के मैक्सिमम डिमांड और उसके एनर्जी कंजप्शन पर टैरिफ को डिसाइड करते हैं. तो इसके अंदर 2 मीटर्स का यूज होता है. फॉलोइंग आर द मेथड्स टू इंक्रीज द सर्ज इंपीडेंस लोडिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन. ओके, आप जानते हैं सर्ज इंपीडेंस लोडिंग का फॉर्मूला होता है B²/ZS. इसका कोई लेना देना नहीं है आपकी लेंथ और इंडक्टेंस से. तो केवल बी यानी कि वोल्टेज लेवल को हम बढ़ाएंगे तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी. पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स मेजर्स. पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल एक्सेलरेशन को मेजर करता है. और पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल के जो एग्जांपल्स हैं वो आपके हैं बेरियम टाइटेनेट, रसेल सॉल्ट और लेड जर्कोनेट टाइटेनेट. कभी कभी आपसे एग्जाम्पल पूछ लेता है. वॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट द ओपन सर्किटेड एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन? तो यूनिटी इज द आंसर. ओके, अगर आपसे शॉर्ट सर्किटेड पूछा होता तो -1 इज द आंसर. क्वेश्चन में है कि व्हाइल सिलेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक मोटर फॉर एनी एप्लीकेशन वी डू नॉट कंसिडर. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है नन. ठीक है,
क्योंकि कॉस्ट कॉस्ट से तो हम कोई लेना देना रखते भी नहीं है वैसे भी, ठीक है। रेटिंग से रख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक से रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें 2, 3 और 4, 2 सॉरी 3, 4, 5 ऑप्शंस हो, तो नन इज द आंसर। जनरली इन अ जॉब क्रशर द मोटर हैज ऑफन स्टार्ट अगेंस्ट अ, ओके। तो जॉब क्रशर्स जो भी यूज करते हैं हम, तो उसमें हैवी लोड यूज होता है, इसलिए द मोटर हैज ऑफन स्टार्ट अगेंस्ट द हैवी लोड फॉर द जॉ क्रशर के एप्लीकेशन। सॉरी, फॉर क्लीन ड्राइव्स वी डोंट यूज, ठीक है। क्लीन ड्राइव्स जो होती है इसको आप देखेंगे सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज होती है, ठीक है। तो आंसर देखिए, इसमें स्क्वेरल केज मोटर दिया है, लेकिन आप जब आप सर्च करेंगे इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, कुछ पेपर्स पढ़ेंगे, जैसे कि आप जानते हैं IEEE पेपर्स, तो कुछ मैंने पेपर्स देखा था तो उसमें स्क्वायरल केज मोटर्स का भी यूज हो रहा था, तो इस क्वेश्चन पे डाउट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें साफ साफ स्क्वायरल केज मोटर लिखा हुआ है कि उनने सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए किल्न ड्राइव्स के लिए यूज किया था, किल्न ड्राइव्स के तौर पे स्क्वायरल केज मोटर को। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। इफ द टू यूनिट चार्जेस आर सेपरेटेड इन एयर वाई अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इफ द फोर्स एग्जर्टेड बिटवीन देम विल बी, ठीक है। तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, आप जानते हैं F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन D2। द रिले विच कैन एंटीसिपेट ऑल द पॉसिबल माइनर और मेजर फॉल्ट्स इन अ ट्रांसफॉर्मर, तो आप जानते हैं कि बोकोज रिले आप ट्रांसफॉर्मर के लिए, विच इज अ, ठीक है, गैस सैचुरेटेड रिले, इज अ बोकोज रिले आप यूज करते हैं फॉर द माइनर एंड द मेजर फॉल्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन आ जाता है, तो हम तो टेक्निकल कर रहे हैं इधर। तो अ जनरेटिंग स्टेशन हैज अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 40 मेगावाट, इट हैज अ लोड फैक्टर ऑफ 60% एंड प्लांट कैपेसिटी फैक्टर ऑफ 50%। आपसे पूछा है रिजर्व कैपेसिटी, तो रिजर्व कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम डिमांड इनटू लोड फैक्टर माइनस प्लांट कैपेसिटी फैक्टर अपॉन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। मैक्सिमम डिमांड इनटू लोड फैक्टर माइनस PCF, और PCF इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 मेगावाट आपका आंसर आ जाएगा। और आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। और PDF चार्जेबल है, ठीक है, और क्योंकि सॉल्व PDF है, ओके, इसीलिए। और बाकी तो आप जिसको चार्ज नहीं देना है, ऐसे कोई फोर्सफुली नहीं है, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं आसानी से, एक एक क्वेश्चन इस पर डिफाइंड है, जो भी आपको डाउट लगता है उस पर आप ऑनलाइन या अपने बुक्स के थ्रू सर्च कर सकते हैं, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।